वेरी ब्यूटीफुल डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। पृथ्वी और हमारा जीवन से आज मैं लेकर आई हूँ अंतिम अध्याय का अभ्यास कार्य, जिसका शीर्षक है टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश, जिसका अध्ययन कार्य हम पिछले भूगोल के विषय में कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। हम शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। प्रश्न है, टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? इसका उत्तर लिखिए। उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थलमंडल पाया जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। यही कारण है कि टैगा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। यदि दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थलमंडल होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाए जाते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए दूसरा प्रश्न है, टैगा प्रदेश में कृषि क्यों नहीं विकसित है? इसका उत्तर लिखिए। वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ के जमे रहने और जल के रूप में कम वर्षा के कारण टैगा प्रदेश में मिट्टी का विकास नहीं हो पाता है। यहाँ की मिट्टी पथरीली है, जो कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, इसलिए टैगा प्रदेश में कृषि विकसित नहीं है। तीसरा प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। टुंड्रा प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है, जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बौनी झाड़ियां, घास, लाइकेन, काई और दलदली पौधे उगते हैं। विश्व के कुछ टुंड्रा प्रदेशों में छितरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी एस्किमो, फिनलैंड के लैप और साइबेरिया के याकूत कहलाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में उगने वाले वृक्षों की बढ़ोतरी कम तापमान और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। टुंड्रा प्रदेश के निवासी भोजन हेतु मांस पर आधारित हैं, इसलिए ये लोग मछली, सील, व्हेल, वालरस, लोमड़ी और ध्रुवीय भालू का शिकार करते हैं। इस इलाके में रेंडियर, कैरिबू, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, मस्कबैल तथा खरगोश आदि स्थानीय जीव पाए जाते हैं। यहाँ सील, व्हेल और वॉलरस आदि जीव हैं। ग्रीष्म में अनेक प्रकार के पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं? उत्तर लिखिए। टुंड्रा प्रदेश में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि जगहों पर एस्किमो, फिनलैंड में लैप और साइबेरिया में याकूत कहे जाने वाली जनजातियां निवास करती हैं। पांचवा प्रश्न है, टैगा किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर लिखिए। टैगा रूसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है शंकुआकार वन। हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास कार्य की ओर। सही जोड़े मिलाइए। बर्खोयास्क सबसे ठंडा स्थान, कनाडा बालरस सुगंधित पदार्थ, कयाक नाव, आर्कटिक विलो झाड़ी, उत्तरी ध्रुव रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव एमंडसन। हम बढ़ेंगे अगले और अंतिम अभ्यास कार्य की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, शीतकाल में साइबेरिया के पक्षी भारत के मैदान में प्रवास करते हैं। खा है, बोरियल वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। गा है, काई, लाइकेन और बर्च टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियां हैं। घा है, टैगा प्रदेश में शंकुआकार वन पाए जाते हैं। डा है, फिनलैंड के टुंड्रा निवासियों को लैप कहते हैं। और चा है, टुंड्रा निवासी शिकार के लिए जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे
कयाक कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये बताते हुए बड़ी ही खुशी की अनुभूति हो रही है कि इसी वीडियो के साथ पृथ्वी और हमारा जीवन का यह अंतिम अध्याय भी समाप्त होता है। अब आपकी बारी है कि आप किस प्रकार इन अध्याय का अध्ययन करते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार पूर्ण करते हैं। सारे अध्यायों का पुनः अध्ययन कीजिए और याद कीजिए। वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए अगर सचमुच आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए प्रेरणादायक सिद्ध होता है। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू।